हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे आईएएस ऑडिट प्रोसेस और उसमें हमने ये जाना था कि जो हमारा डिलीवरेबल है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हम हैं और हमारा डिलीवरेबल ऑडिट रिपोर्ट है। और ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए हमें ऑडिट एविडेंस चाहिए। ऑडिट एविडेंस को हम डॉक्यूमेंट करेंगे और एक डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल्स हमें रखने पड़ेंगे। और डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल्स बड़ा ही टेक्निकल वर्ड है, लेकिन पीछे उसका निहित अर्थ क्या है वो हमने समझा था। और हमने ये भी जाना था कि आज की डेट में प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल्स का यूज़ किया जाता है और एक डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। उसके बाद हमने सैम्पलिंग पढ़े थे। सैम्पलिंग्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि सैम्पलिंग्स का इवोल्यूशन पढ़ा था, मतलब जो सैम्पलिंग ऑडिट सैम्पलिंग का हमने इवोल्यूशन पढ़ा था। उसके बाद क्या है कि हम सैम्पलिंग ऑडिट्स के कुछ टर्म्स पढ़ रहे थे। उसमें सबसे पहले हमने ऑडिट ऑब्जेक्टिव के बारे में जाना था और जाना था कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव के अनुसार ही हमें सैम्पल क्रिएट करना पड़ेगा। अगर पीएफ ऑडिट करने जा रहे हैं तो अलग सैम्पल होगा, ईएसआई ऑडिट करने जा रहे हैं अलग सैम्पल होगा, इंटरनल ऑडिट में अलग सैम्पल होगा, मतलब अलग पॉपुलेशन होगी। सबसे पहले ऑडिट ऑब्जेक्टिव के अनुसार पॉपुलेशन होगी। फिर से ठीक ढंग से कहें तो हम ये कह सकते हैं ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार पॉपुलेशन होगी। ESI की अलग पॉपुलेशन होगी, PF की अलग पॉपुलेशन होगी, PF की पॉपुलेशन सैलरी होगी। अगर आप इंटरनल ऑडिट करने जा रहे हैं तो इंटरनल कंट्रोल्स कहाँ कहाँ पर क्या हैं वो उसकी पॉपुलेशन में कॉन्स्टिट्यूट करेगा। अगर फाइनेंशियल ऑडिट करने जा रहे हैं तो वो जितने भी उसके आइटम्स हैं, ट्रांजेक्शन्स हैं, बैलेंसेज हैं, वो पॉपुलेशन में पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। और पॉपुलेशन हमने समझा था, पॉपुलेशन के बाद हमने जाना था कि उस पॉपुलेशन को हम स्ट्रेटिफाई करेंगे और सैम्पल साइज़ क्रिएट किया जाएगा, सैम्पल यूनिट्स बनाई जाएंगी। सैम्पल साइज़ और सैम्पल यूनिट्स अलग अलग चीज़ें, ये हमने जाना था। और फिर सैम्पलिंग रिस्क के बारे में हम पढ़ रहे थे। सैम्पलिंग रिस्क के बारे में हमने ये जाना था कि अगर सैम्पल उठा के ऑडिट कर रहे हैं या 100% पॉपुलेशन का ऑडिट कर रहे हैं, अगर रिजल्ट्स डिफरेंट हैं तो सैम्पलिंग रिस्क है, अगर रिजल्ट सेम है तो सैम्पलिंग रिस्क नहीं है। जितने ज़्यादा रिजल्ट डिफर कर रहे हैं उतना ज़्यादा सैम्पलिंग रिस्क है, जितने ज़्यादा रिजल्ट्स डिफर नहीं कर रहे हैं उतना सैम्पलिंग रिस्क कम है। तो सैम्पलिंग रिस्क का मतलब ये है कि सैम्पल आपको झूठ बताएगा। पूरी 100% आप ऑडिट करते तो जो रिजल्ट्स आते उससे सैम्पल जो बता रहा है उससे अलग बता रहा है, तो वो सैम्पलिंग रिस्क हो गया। तो हमने ये वो जाना था कि सैम्पलिंग रिस्क दो टाइप के होते हैं, रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस और रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन। रिस्क ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस में क्या होता है कि आप एक सैम्पल उठाते हैं और सैम्पल को ऑडिट करते हैं और उसमें कोई एरर नहीं निकलता है, लेकिन असली पॉपुलेशन में एरर है और काफ़ी ज़्यादा एरर है। आपने सैम्पल ही वो उठाए जिसमें एरर नहीं था, आपने साइंटिफिक स्टेटिस्टिकल मेथड्स अप्लाई, सही मेथड्स अपनाई, लेकिन फिर भी वो एरर्स, वो पॉपुलेशन उठाई जिसमें एरर्स नहीं थे। सैम्पलिंग है, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। आप सैम्पल साइंटिफिकली, आपने बहुत ही साइंटिफिक मेथड्स यूज़ की, स्टेटिस्टिकल मेथड्स यूज़ की, उसके बावजूद भी आपका सैम्पल जो है एरर्स को कैप्चर नहीं कर पाया, तो आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि ठीक है एरर्स नहीं है, लेकिन असलियत में क्या है, एरर्स हैं। ये एक डेंजरस सिचुएशन है। इसके दूसरी तरफ है रिस्क ऑफ इनकरेक्ट रिजेक्शन। आपने सैंपल उठाया जिसमें एरर्स ही एरर्स दिख रहे हैं, और कई बार ऐसा होगा कि मतलब कई बार, मतलब आप सैंपल उठा रहे होगे तो जब आप 100वीं बार सैंपल उठा रहे होगे या 200वीं बार सैंपल उठा रहे होगे या कई बार सैंपल उठा रहे होगे तो सारे एरर्स उसी सैंपल में उठकर आ जाएंगे, बाकी पॉपुलेशन में एरर्स नहीं होंगे, तो आपको लगेगा ये तो एरर से भरा है। जैसा कि मूवी में दिखाते हैं ना कि हीरो होता है उसका टाइम गलत चल रहा होता है, वो एक अच्छा आदमी होता है लेकिन दो तीन काम गलत कर देता है, और वो किसी आदमी के सामने वो दो तीन काम कॉन्स्टेंटली नज़र आ जाते हैं और उसकी इमेज बन जाती है एक बहुत घटिया किस्म के आदमी की, जबकि वो है ऐसा नहीं। उसके फ्रेंड्स के साथ जा रहा है, कहीं पर बैठा है या कुछ कर रहा है, ऐसा मूवीज़ में बहुत दिखा देते हैं, तो उस आदमी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और यही है इनकरेक्ट रिजेक्शन। इनकरेक्ट रिजेक्शन डेंजरस नहीं है। इनकरेक्ट रिजेक्शन डेंजरस इसलिए नहीं है क्योंकि जब आपको लगेगा कि पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा एरर्स हैं तो आप अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स बढ़ाओगे। आप कहोगे पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा एरर्स हैं, लेकिन फिर जब आप 100% पॉपुलेशन को ऑडिट करना स्टार्ट करोगे आप देखोगे एरर्स ही नहीं है। तो इनकरेक्ट रिजेक्शन डेंजरस नहीं है, इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस डेंजरस है।
इसके अलावा हमने ये जाना था कि एक चीज़ होती है टॉलरेबल एरर, प्लांड टॉलरेबल एरर। प्लांड टॉलरेबल एरर वो एरर होता है, मैक्सिमम एरर किसी पॉपुलेशन में आईएएस ऑडिटर एक्सेप्ट कर सकता है और उसके बाद कह सकता है कि ऑडिट ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए। कहने का मतलब ये है कि मटेरियलिटी क्या है, एक्सेप्टेंस लेवल क्या है, ऑडिट रिस्क क्या है। अगर मटेरियलिटी के लेवल, जो मटेरियलिटी डिटरमाइन की गई है या ऑडिट लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क डिटरमाइन किया है, उसके नीचे एरर्स हैं, ऑडिटर कहता है कोई बात नहीं, वो ऑडिट ओपिनियन दे देता है, और ऑडिट ओपिनियन देकर वो रीजनेबल एश्योरेंस दे देता है, वो ये कहता है कि हाँ जी इतने मैक्सिमम टॉलरेबल एरर्स हैं पॉपुलेशन में, और ऑडिट ऑब्जेक्टिव मीट आउट हो गया। तो बेसिकली टॉलरेबल एरर दो टाइप के हैं, एक सब्सटेंटिव और एक कंप्लायंस। सब्सटेंटिव टेस्ट में टॉलरेबल एरर मटेरियलिटी के अनुसार है, और कंप्लायंस टेस्ट में क्या होंगे, कंप्लायंस टेस्ट में कंट्रोल से कितना डेविएशन हो रहा है, क्या रेट ऑफ डेविएशन है। अगर मान लिया सपोज वाउचर्स आ रहे हैं आपके पास, तो कितने वाउचर्स हैं, अगर 1000 वाउचर्स साइन हो रहे हैं महीने में, तो उसमें से कितने वाउचर्स हैं जिसमें ऑथराइजेशन नहीं है, अप्रूवल्स नहीं है। अगर मान लिया सपोज अप्रूविंग अप्रूवल अथॉरिटी, ऑथराइजिंग अथॉरिटी, वेरिफिकेशन अथॉरिटी, उसमें से एक आध दो वाउचर्स हैं जो छोटे अमाउंट के हैं और उसमें सिग्नेचर्स नहीं है। कई बार होता है लोग प्रेजेंट नहीं होते हैं, मानो बड़ा वेरिफिकेशन अथॉरिटी या ऑथराइजेशन अथॉरिटी आपकी बाहर गई है और आपने एक्सेप्शनल अप्रूवल नहीं ली है और नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर्स के अनुसार आपने अप्रूव करा दिया है, तो उन सारे केसेस में आपको जो डेविएशंस हैं वो कितना रेट ऑफ डेविएशन होगा, मतलब आप 1000 वाउचर्स में क्या डेविएशन होना चाहिए। अगर आप मानते हो 2 या 3 वाउचर्स में ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो मैक्सिमम रेट ऑफ डेविएशन हो गया। कंट्रोल प्रोसीजर्स लगे हुए हैं, ऑथराइजेशन हो रहा है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन हो रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है, लेकिन 1000 केसेस में 1-2 केसेस में अगर नहीं भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑडिटर बोलता है, ऑडिटर बोलता है कि तब मैं, मेरा ऑडिट रिस्क नहीं है, मैं जो ओपिनियन दे रहा हूँ सही दे रहा हूँ। तो ये टॉलरेबल एरर है। सब्सटेंटिव टेस्ट में मटेरियलिटी, ऑडिटर का जो जजमेंट है या मटेरियलिटी, उसके अनुसार डिटरमाइन किया जाता है टॉलरेबल एरर। यानी टॉलरेबल प्लांड टॉलरेबल एरर सब्सटेंटिव टेस्ट के लिए अलग होगा, कंप्लायंस टेस्ट के लिए अलग होगा। तो ये देखना इंपॉर्टेंट है कि जो सैंपल आ रहा है, सैंपल आपके पास आ रहा है, उसमें कितना एरर है। एक तो सैंपल का एरर हो गया, एक रियल एरर हो गया, मतलब सैंपल का जो आपके पास सैंपल आ रहा है उसमें कितने एरर्स आ रहे हैं। अब क्या होता है, एक चीज़ होती है एक्सपेक्टेड एरर, क्या ऑडिटर एक्सपेक्ट कर रहा है एरर का। अगर वो ज़्यादा एरर एक्सपेक्ट कर रहा है तो उसे सैंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा, और उसे लगता है कि पॉपुलेशन एरर फ्री है तो सैंपल साइज घटा देगा। मतलब अगर ज़्यादा एरर है तो हो सकता है 1/3, 33% हर तीसरा ट्रांजैक्शन वो चेक करे, और अगर उसे लगता है एरर फ्री है तो वो 5% हर 5 में से 1 या 10 में से 1 आइटम चेक करेगा, चेक जरूर करेगा, सैंपल जरूर उठाएगा, सैंपल साइज कम हो जाएगा, सैंपल साइज बढ़ जाएगा, एक्सपेक्टेड एरर के अनुसार बढ़ेगा। अब एक्सपेक्टेड एरर और टॉलरेबल एरर अलग अलग है। एक्सपेक्टेड एरर ये है कि क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो एरर का, और टॉलरेबल एरर ये है कि कितना एरर वो टॉलरेट कर सकता है, मतलब एक पर्टिकुलर ऑडिट ऑब्जेक्टिव है उसे मीट आउट करने के लिए कितना एक पर्टिकुलर ऑडिट ऑब्जेक्टिव मीट आउट करने के लिए कितने एरर्स हों। ठीक है, अगर मालूम पड़ा पीएफ का ऑडिट करने जा रहा है और वो ये देखता है कि सपोज 10,000 ट्रांजेक्शन है, उसमें 5 गलत हों तो कोई दिक्कत नहीं, 5 जगह पीएफ में वायलेशन हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो टॉलरेबल एरर को ध्यान से देखिए, टॉलरेबल एरर जो है, टॉलरेबल एरर का मतलब ये होता है कि कितना एरर वो टॉलरेट कर रहा है, यानी उसकी टॉलरेंस लिमिट कम होगी। टॉलरेंस लिमिट सब्जेक्टिव नहीं है, उसको अपना ऑडिट रिस्क कम करना है, उसको एक रीजनेबल एश्योरेंस देनी है
अगर उससे ज़्यादा होगी तो उसकी ऑडिट ओपिनियन नेगेटिव हो जाएगी। टॉलरेबल एरर का मतलब ये है कि वो लेवल जिससे नीचे अगर एरर हो तो ऑडिटर कहेगा कि भाई रीजनेबल एश्योरेंस दे देगा सब सही चल रहा है, और टॉलरेबल एरर से ऊपर वो क्वालिफाइड ओपिनियन देना स्टार्ट कर देगा, एडवर्स ओपिनियन देना स्टार्ट कर देगा। ये टॉलरेबल प्लान टॉलरेबल एरर या टॉलरेबल एरर ये होता है। वो ये कहता है प्लान टॉलरेबल एरर या टॉलरेबल एरर का मतलब ये, वो ऑर्गेनाइजेशन में जाता है और कहता है कि इतना इससे ज़्यादा एरर नहीं होने चाहिए। अगर वाउचर्स हैं, अगर वो कंट्रोल्स चेक कर रहा है वाउचर्स हैं, तो 1000 वाउचर्स में एक या दो वाउचर्स या तीन वाउचर्स अगर पूरी प्रॉपरली ऑथराइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उससे ज़्यादा हैं तो प्रॉब्लम है, मैं एडवर्स ओपिनियन देने लगूंगा। लेकिन एक्सपेक्टेड एरर डिफरेंट है। एक्सपेक्टेड एरर हो सकता है वो जा रहा हो और वो कहे कि इस कंपनी में एरर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पहले उसने ऑडिट किया है, उसका एक्सपीरियंस है, या उसने कंट्रोल्स चेक किए, कंट्रोल चेक करने के बाद उसने देखा कंट्रोल्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो इसका मतलब एक्सपेक्टेड एरर्स हाई हो सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड एरर और टॉलरेबल एरर दोनों डिफरेंट है। कई बार हम कंफ्यूज करेंगे टॉलरेबल एरर और एक्सपेक्टेड एरर में। टॉलरेबल एरर जो टॉलरेट कर सकता है और फिर सही ओपिनियन दे सकता है, क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन नहीं देगा। वो कहेगा ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट हो गए। तो टॉलरेबल एरर में सब्सटेंटिव टेस्ट और कंप्लायंस टेस्ट के लिए अलग अलग टॉलरेबल एरर्स होंगे। सब्सटेंटिव टेस्ट के टर्म्स में है टॉलरेबल एरर का मतलब यह मटीरियलिटी से नीचे एरर होना चाहिए, मटीरियल एरर्स नहीं होनी चाहिए। और कंप्लायंस टेस्ट में मैक्सिमम रेट ऑफ डेविएशन वो तय करेगा, उससे नीचे अगर एरर्स हैं ठीक है, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल स्ट्रांग है, ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम कर रहा है। उससे ज़्यादा एरर्स हैं इसका मतलब, उससे ज़्यादा डेविएशन या एरर्स हैं तो इसका मतलब ये है कि कंट्रोल्स वीक हैं। तो टॉलरेबल एरर्स जो है और एक्सपेक्टेड एरर्स जो है वो डिफरेंट है। एक्सपेक्टेड एरर्स एक कंपनी में जाता है और वो कहता है इसमें इतने एक्सपेक्टेड एरर्स हैं। एक्सपेक्टेड एरर्स कई कंपनी में बहुत टॉलरेबल एरर से बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और कई कंपनी में टॉलरेबल एरर से बहुत कम हो सकते हैं। और टॉलरेबल एरर से ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा पॉपुलेशन सैम्पल साइज पॉपुलेशन में से बड़ा सैम्पल साइज लेगा, और एक्सपेक्टेड एरर्स कम होंगे तो वो पॉपुलेशन में कम सैम्पल साइज लेगा। क्योंकि टॉलरेबल एरर से कम है एक्सपेक्टेड एरर्स, तो इसका मतलब ये है कि वो रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है पहले, लेकिन फिर भी चेकिंग कर रहा है और फिर भी एक सैम्पल ले रहा है। वो कंपनी के अंदर जाता है, पहले उसने ऑडिट किया होता है, उसका एक्सपीरियंस होता है कंपनी बड़ी सही है, उसके बाद वो कंप्लायंस टेस्टिंग करता है, वो देखता है कंट्रोल्स आज भी स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद वो कहता है जी एक्सपेक्टेड एरर्स बहुत कम होंगे, टॉलरेबल एरर्स से बहुत कम होंगे, खाली टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे छोटा सा सैंपल ले लो, एविडेंस ले लो और डॉक्यूमेंट करो, इसे बात ख़त्म करो। लेकिन किसी कंपनी में जाता है सब पॉलिसीज़ पड़ी हैं लेकिन पॉलिसीज़ फॉलो ही नहीं होती हैं, कंट्रोल्स वीक हैं, पुअर हैं, तो एक्सपेक्टेड एरर्स और टॉलरेबल एरर में ये डिफरेंस है। तो अगर पॉलिसीज वीक हैं तो वो उसको लगेगा एक्सपेक्टेड एरर ज़्यादा होंगे, टॉलरेबल एरर से ज़्यादा होंगे, उसको एडवर्स ओपिनियन देनी पड़ सकती। तो एडवर्स ओपिनियन कहीं देगा तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस होनी चाहिए उसके पास, क्योंकि सबसे पहले मैनेजमेंट उस पर क्वेश्चन उठाएगा कि भाई साहब ये कैसे कह दिया आपने, आप एडवर्स या क्वालिफाइड ओपिनियन क्यों दे रहे हो, आप तो हमारी नौकरी ले जाओगे। तो उसको दिखाना पड़ेगा, उसके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होनी चाहिए और ये सारे एविडेंस का डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ऑडिट वर्किंग पेपर में हमें सैंपल्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, सैंपल प्रोसेसेस कौन सी यूज़ की हुई हैं, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले तो रिस्क क्या है, ऑडिट रिस्क क्या है, टॉलरेबल एरर क्या है, सैंपल साइज क्या है, हमने कैसे स्ट्रेटिफाई किया है, एक्सपेक्टेड एरर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। उसके बाद आपने आप पॉपुलेशन का मतलब क्या है, मतलब आपने स्ट्रेटिफाई कर दिया, उसके बाद फिर पॉपुलेशन का मतलब क्या है, पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन जो किया है उसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से स्ट्रेटिफाई किया है पॉपुलेशन को, बांटा है पॉपुलेशन को,
और उसमें से आपने सैंपल उठाएं तो कौन सी, किस तरह से उठाएं, क्या परसेंटेज उठाएं, क्या क्यों 10% उठाएं तो क्यों उठाएं, 20% उठाएं तो क्यों उठाएं, सैम्पलिंग मेथड्स कौन सी यूज़ किए, स्टैटिस्टिकल की है नॉन स्टैटिस्टिकल की है, स्टैटिस्टिकली ही करनी है, स्टैटिस्टिकल की है तो कौन सी की है, रैंडम की है या सिस्टमेटिक की है, और उसके बाद एडिशनल आपने नॉन स्टैटिस्टिकल जजमेंट सैम्पलिंग भी लगा दी है, मतलब एडिशनल प्रोसीजर्स करके। तो सैम्पलिंग मेथड्स कौन सी यूज़ की, सैम्पलिंग पैरामीटर्स क्या हैं, जैसे कि रैंडम स्टार्ट आपने पहला, जैसा मैंने बोला कि सिस्टमेटिक सैम्पलिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तरह काम करती है, पहला आइटम ले लो, पांचवा आइटम ले लो, उसमें सात सात जोड़ते चले जाओ, आठ आठ जोड़ते चले जाओ, या तीन तीन जोड़ते चले जाओ, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोबेबिलिटी। अगर एरर्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो उसको हर तीसरे को देखना स्टार्ट कर दो, हर दूसरे को देखना स्टार्ट कर दो, अगर एरर्स की प्रोबेबिलिटी ख़त्म है तो हर पांचवे को देखना चालू करो, पहले आइटम ले लो और उसके बाद हर पांचवे को देखते चले जाओ। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और उसी डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पर आपकी ओपिनियन बोलनी चाहिए, आपकी ऑडिट रिपोर्ट बोलनी चाहिए। तो अब आपने डॉक्यूमेंट भी कर लिया, डॉक्यूमेंट करने के बाद आपने ऑडिट प्रोसीजर्स भी अप्लाई कर लिए, हर सैंपल आइटम्स को चेक कर लिया, उसमें एरर्स देख लिए, जो एरर्स डिटेक्ट हुए उनको भी देख लिया, उसको उसका ऑडिट एविडेंस भी बना लिया। तो आपने ये भी देख लिया कि जो स्टैटिस्टिकल सैंपल आपने उठाया था उससे आपने प्रोजेक्ट किया, पॉपुलेशन में प्रोजेक्ट करके देख लिया कि एरर्स हैं कि नहीं हैं, मतलब जो स्टैटिस्टिकल सैंपल आप उठाओगे वो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होगा, साइंटिफिकली वो रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। अगर उसमें एरर्स नहीं है तो आप मानोगे पॉपुलेशन में एरर्स नहीं है, अगर उसमें एरर्स हैं तो मानोगे पॉपुलेशन में एरर्स हैं। उसके बाद हो सकता है आप नॉन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स भी लगाओ। तो ये सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट करोगे। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ऑटोमेटेड प्रोसेसेस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन, आज आईटी बढ़ता जा रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, और हमने पहले भी पढ़ा कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी है, ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 के अनुसार अगर एक भी कंप्यूटर आ जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन में CIS इन्वायरमेंट आ जाता है, और वहाँ पर हमें AAS 29 के अनुसार ऑडिट करना होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे ऑटोमेटेड होते जा रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, ऑटोमेटेड प्रोसेसेस बढ़ती चली जा रही हैं। तो एक चीज़ ध्यान देने की बात है, ऑटोमेटेड प्रोसेस में या तो एरर्स नहीं होती हैं, अगर एरर्स, अगर ऑटोमेटेड प्रोसेस ब्रेक डाउन करी तो मैसिव एरर्स आ जाती हैं। ये हम चीज़ को कई बार एम्फसाइज कर चुके हैं, ये ड्रॉबैक है ऑटोमेटेड प्रोसेस का, या तो उसमें एरर नहीं होगी या एरर होगी तो भयंकर एरर्स हो जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने कई US की मूवीज़ में देखा कि अचानक मालूम पड़ा व्हाइट हाउस डाउन मूवी है या और दूसरी मूवीज़ हैं, उसमें ये दिखाया गया है कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स अपने आप लॉन्च कोड गलत डल गए, किसी ने प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया और समथिंग लाइक दैट, ऐसे मूवी में दिखाया, और दिखाया कि मिसाइल्स ऑटोमेटिकली छूटने लग गए। अगर वो न्यूक्लियर मिसाइल्स ऑटोमेटिकली छूट रहे हैं तो लॉस मैसिव लॉस है, वहाँ पर एरर्स की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऑटोमेशन जैसे जैसे बढ़ता चले जाएगा एरर्स प्रॉब्लम क्रिएट करते जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल बैंक होते थे, उसमें ब्रांचेज होते थे, ब्रांचेज में छोटे मोटे एरर्स होते रहते थे और साल के लास्ट में उनको रिकनसाइल किया जाता था और फिर भी एरर रह जाते थे, लेकिन बैंक चलता रहता था। अगर एक ब्रांच में पूरा फ्रॉड भी हो गया तो कोई बात नहीं, और ब्रांचेस चलती रहती थी, लेकिन आज सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, ऑटोमेटेड प्रोसेसेस हैं, इसमें अगर एरर हो गया तो प्रॉब्लम हो गया। अगर थोड़ी देर के लिए ये समझ लीजिए कि आप के अगर एक ब्रांच है उसमें नॉर्मल खाते हैं, पुराने टाइम के खाते हैं, और उसमें अगर 10,000 जमा की एक जीरो और ऐड हो गया, 1,00,000 हो गया, तो उतना ज़्यादा एरर, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आदमी ने पूरे 1,00,000 रुपया निकाल लिया तो 90,000 एक्स्ट्रा ही निकाला, 90,000 रुपये का लॉस हो गया। लेकिन अगर सेंट्रलाइज डेटाबेस है और वहाँ पर एक जीरो बढ़ गया तो मालूम पड़ा पूरी इंडिया को पता चल जाएगा कुछ ही घंटों में कि ये तो एक जीरो बढ़ा रहा है और पैसा निकालने लगेंगे लोग ATM से, और न जाने कितने पैसे का नुकसान हो जाएगा।
और अगर एक जीरो घट जाएगा तो लोग इतने इरिटेट होंगे कि हो सकता है बैंक की क्रेडिबिलिटी में असर पड़ जाए। तो ऑटोमेटेड प्रोसेस में एरर्स के मैसिव इम्प्लीकेशंस होते हैं, और हम जब सैंपल करेंगे या ऑडिट करेंगे हमें इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोसेस ऑटोमेटेड हैं कि नॉन ऑटोमेटेड हैं। अगर नॉन ऑटोमेटेड प्रोसेस हैं और वहाँ पर सैंपल में एरर्स दिखाई दे रहे हैं तो कुछ समझा जा सकता है, लेकिन ऑटोमेटेड प्रोसेस में एरर्स दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑटोमेटेड प्रोसेस से थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स पास हो सकते हैं, एक सेकंड में हज़ारों ट्रांजेक्शन्स पास हो सकते हैं, और वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स में गलतियां हो सकती हैं। नॉन ऑटोमेटेड प्रोसेस में एक सेकंड में मालूम पड़ा एक ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक घंटे में एक ट्रांजेक्शन, पाँच मिनट में एक ट्रांजेक्शन हो रहा है। पहले आप बैंक में जाते थे तो क्या होता था कि आप पैसा निकालते थे तो घंटों लगते थे आपको, सुबह 10 बजे जाते थे, 12 बजे पैसा टोकन नंबर होता था, वेरिफिकेशन होता था एक, उसके बाद आपको टोकन दिया जाता था, आप कैशियर के पास जाते थे, वो पैसा गिनता था, आपको देता था। आज की डेट में आप सीधे एटीएम में जाते हैं, रात के 1 बजे एटीएम में जाते हैं, 5 मिनट में पैसा निकाल के, 2 मिनट में पैसा निकाल के आ जाते हैं, और वहाँ हज़ारों ऐसे ट्रांजेक्शन्स हो रहे होते, मतलब इंडिया वाइड हज़ारों ऐसे ट्रांजेक्शन हो रहे होते। तो ऑटोमेटेड प्रोसेस में अगर एरर है तो प्रॉब्लम है। तो ऑटोमेटेड प्रोसेसेस में आप क्या करेंगे, कई जगह पर अगर आपको सैंपल साइज सही तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अभी हम पढ़ रहे थे टॉलरेबल एरर और एक्सपेक्टेड एरर, अगर एक्सपेक्टेड एरर ज़्यादा हैं टॉलरेबल एरर से तो सैंपल साइज आपका बढ़ जाएगा, मैंने ये बोला था, क्योंकि रिस्क बढ़ जाएगा, कई बार अनएक्सेप्टेबल हो जाता है रिस्क। आपने कहा एक्सपेक्टेड एरर्स अगर टॉलरेबल एरर से कम हैं तो इसका मतलब एडवर्स ओपिनियन आप नहीं दोगे, आपको पता है कि मटेरियल एरर्स नहीं है, और मटेरियल एरर्स नहीं है तो आपकी ज़िंदगी सुकून में है। लेकिन अगर मटेरियल एरर है तो सैंपल में भी गड़बड़ हो सकती है। अगर एक्सपेक्टेड एरर, फिर से इसे रिपीट करते हैं, एक्सपेक्टेड एरर आपने कहीं ऑडिट करने जा रहे हो, एक्सपेक्टेड एरर्स देख रहे हो, अब एक्सपेक्टेड एरर्स मटेरियल लेवल से नीचे हैं पहले कंडीशन में, कोई बात नहीं आप सैंपल लो ऑडिट वगैरह करो, लेकिन एक्सपेक्टेड एरर मटेरियल लेवल से ऊपर है तो इसका मतलब आपको एडवर्स ओपिनियन देनी पड़ सकती है, क्वालिफाइड ओपिनियन देनी पड़ सकती है। अगर आपको क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देनी पड़ सकती है तो आपके पास एविडेंस स्ट्रांग होना चाहिए, और चूंकि आपके पास एविडेंस स्ट्रांग होना चाहिए आपका सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए, और सैंपल साइज बड़ा ही नहीं होना चाहिए, आपके अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स आपको अप्लाई करने चाहिए। आप जो सैंपल ले रहे होगे वो स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग करोगे ही करोगे, जजमेंट सैंपल भी ले लोगे, हैपजर्ड सैंपलिंग भी कर लोगे, वहाँ पर एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स भी अप्लाई करोगे, क्योंकि वहाँ पर क्या है आपको एडवर्स ओपिनियन देनी पड़ सकती है, आपको वहाँ पर क्वालिफाइड ओपिनियन देनी पड़ सकती है। तो एडवर्स और क्वालिफाइड ओपिनियन देने में आपको स्ट्रांग एविडेंस होना चाहिए आपके पास। तो अगर एक्सपेक्टेड एरर टॉलरेबल एरर से ऊपर है तो आपको सावधान होना पड़ेगा, आपको स्ट्रॉन्ग ऑडिट एविडेंस रखने पड़ेंगे, आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करके उसको जो पॉपुलेशन है उसको प्रोजेक्ट कर सकते हो कि हाँ स्टैटिस्टिकल मेथड हमने यूज़ की और ये पॉपुलेशन ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन ली है, ये पर्टिकुलर सैंपल साइज लिया है, ये पर्टिकुलर सैंपल लिया है इस पॉपुलेशन से, और उसको ऑडिट करके आप ये कह सकते हो कि ये इस पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन चूंकि एक्सपेक्टेड एरर ज़्यादा हैं टॉलरेबल एरर से तो आपको एडवर्स ओपिनियन देनी पड़ सकती है, तो आप एडिशनल प्रोसीजर्स भी लगाओगे। कल की डेट में आपका ऑडिटी आपसे क्वेश्चन कर सकता है, आपका ऑडिट रिस्क बढ़ गया अगर एक्सपेक्टेड एरर ज़्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी आपके एरर्स की बढ़ गई, आपको एडवर्स या क्वालिफाइड ओपिनियन देनी पड़ सकती है एज एन आईएएस ऑडिटर, तो वहाँ पर आपको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर या ऑडिट प्रोसीजर को आप एक्सटेंड करोगे या सैम्पल साइज़ को आप बढ़ाओगे, सैम्पल साइज़ को ही नहीं बढ़ाओगे बल्कि ऑडिट प्रोसीजर्स एक्सटेंड कर सकते हो, करने पड़ सकते हैं आपको। तो बेसिकली अगर आप सैम्पल को सेलेक्ट कर रहे हो
और ऑडिट कर रहे हो तो कुछ स्टेप्स होंगे, और स्टेप्स में क्या है, सबसे पहला क्या है, ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स आपको के अनुसार आपको कंप्लायंस टेस्टिंग और सब्सटेंटिव टेस्टिंग करनी पड़ेगी। जनरली क्या है कि सैम्पलिंग के केस में सब्सटेंटिव टेस्टिंग होगी, कंप्लायंस टेस्टिंग एट्रीब्यूट सैम्पलिंग होती है लेकिन कम होती है। कंप्लायंस टेस्टिंग जब आप प्रैक्टिकली जाओगे तो आप कोशिश करोगे कि कंप्लायंस टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा करो, जहाँ पॉसिबल नहीं है वहाँ एट्रीब्यूट सैम्पलिंग करोगे आप, और बाकी सब्सटेंटिव टेस्ट करोगे और वहाँ पर सैम्पल लोगे, वेरिएबल सैम्पलिंग लोगे। तो उसके बाद आप पॉपुलेशन डिफाइन करोगे कि किस पॉपुलेशन का सैंपल लेना है, क्योंकि कई पॉपुलेशन 100% आप ऑडिट कर रहे होगे, कई पॉपुलेशन पर 100% ऑडिट प्रोसीजर्स लगा रहे होगे, जो 100% से कम कर रहे होगे वहाँ पर आप सैम्पलिंग लगाओगे। उसके बाद मेथड लगाओगे, कौन सी मेथड्स हैं सैम्पलिंग की, एट्रीब्यूट्स कंप्लायंस के केस में वेरिएबल सैम्पलिंग सब्सटेंटिव टेस्ट करोगे तो। उसके बाद आप ये देखोगे कि क्या प्रिसीजन होना चाहिए, क्या रिलायबिलिटी होनी चाहिए, क्या टॉलरेंस होनी चाहिए, क्योंकि हम रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हैं, 100% एश्योरेंस नहीं दे रहे। तो एक मटेरियलिटी का लेवल होगा, उस मटेरियलिटी के लेवल, जो लेवल ऑफ मटेरियलिटी है उसके ऊपर, उससे ज़्यादा एरर्स नहीं होनी चाहिए, और उसी के अनुसार सैम्पल साइज कैलकुलेट करोगे और फिर उसके रिजल्ट्स बना डिटरमाइन करो किए जाएंगे। इसके अलावा हमारी स्टडी में ISA 530 दिया हुआ है ऑडिट सैम्पलिंग के बारे में, ऑडिट सैम्पलिंग और दूसरे सेलेक्टिव टेस्टिंग प्रोसीजर्स के बारे में। ये ऑडिट सैम्पल को डिज़ाइन करने के बारे में हमें बताता है, ये हल्का सा गाइडलाइंस देता है कि ऑडिट सैम्पल हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो ये दो चीज़ें कहता है, सबसे पहले ये कहता है कि टेस्ट का ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हमें पता होनी चाहिए जहाँ से सैम्पल हम ड्रॉ करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक तो हम PF का ऑडिट करने जा रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, PF का ऑडिट करना, तो ऑब्जेक्टिव हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमें एट्रीब्यूट्स पता होनी चाहिए, किस डेटा है सैलरी का डेटा, इस डेटा को हम इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स होनी चाहिए, इस डेटा के एट्रीब्यूट्स हैं बेसिक, बेसिकली अगर किसी की बेसिक जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बेसिक सैलरी, उसी पर PF कैलकुलेट होता है। तो कहने का मतलब यह है कि ऑडिट सैंपल उठाने के लिए हमें ऑडिट ऑब्जेक्टिव का पता हुआ कि PF ऑडिट करने जा रहे हैं, और हमें पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट यानी सैलरी या बेसिक सैलरी ये हमें पता हुआ, ये दो चीज़ें पता होनी हमें ज़रूरी है। तो वो ये कहता है कि सबसे पहले स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो हमें अचीव करना है वो हमें पता होना चाहिए, यानी कि अगर PF ऑडिट करने जा रहे हैं तो PF ऑडिट करना है, आइए अगर मान लीजिए इंटरनल कंट्रोल्स, इंटरनल ऑडिट करना है तो वहाँ पर इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे, इन्वायरमेंटल ऑडिट है तो उसका अलग ऑब्जेक्टिव होगा, ऑपरेशनल ऑडिट है उसका अलग ऑब्जेक्टिव होगा, स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा उसका अलग होगा, बैलेंस शीट ऑडिट होगा उसका अलग होगा। तो हर एक के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होंगे और उसी के अनुसार अलग अलग ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे। अब PF ऑडिट करने जा रहे हो तो वहाँ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगेंगे अधिकतर, कंप्लायंस प्रोसीजर्स बहुत कम, आप देखोगे PF डिपार्टमेंट में कंट्रोल्स हैं कि नहीं हैं, लेकिन बेसिकली आप डेटा चेक करोगे टोटल। तो वहाँ पर आपको डिटरमाइन करोगे, उसी के अनुसार डिटरमाइन करोगे कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाएं, जिससे कि आपका ऑब्जेक्टिव मीट आउट हो जाए, उसी के अनुसार कि ऑडिट का नेचर क्या है, क्या किस टाइप का एविडेंस है, कैसे एरर्स हो सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स एन एरर। एरर का मतलब क्या, मतलब टेस्ट के अनुसार आपको पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा कि एरर का मतलब क्या, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एरर का मतलब क्या। जैसे फॉर एग्जांपल आप टोटल रिसीवेबल्स देख रहे हो, टोटल रिसीवेबल्स में क्या होता है, कई बार मिसपोस्टिंग हो जाती है, ए के अकाउंट की जगह बी का अकाउंट डेबिट हो जाता है, तो अगर मान लीजिए सेल्स हुई ए के अकाउंट की जगह बी के अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, तो वहां पर टोटल रिसीवेबल्स में कोई इफेक्ट नहीं आया, तो वो पर्टिकुलर चीज उस पर्टिकुलर टेस्टिंग के लिए
एरर कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगी। लेकिन अगर मान लिया सपोज आप बैड डेट का प्रोविजन बना रहे हो तो वो एरर कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। अगर आप फ्रॉड देख रहे हो या कोई और दूसरी चीज़ें देख रहे हो तो वो एरर कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है। इंडिविजुअल अकाउंट्स देख रहे हो तो वो एरर कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, लेकिन टोटल अकाउंट देख रहे हो तो एरर कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकती, क्योंकि आपने ए से 5,000 रुपये लेने बी में डाल दिए, 5,000 रुपये आपने दिखा दिए बी में 5,000 रुपये लेने, लेकिन ए और बी का टोटल, डेटर्स का टोटल कितने पैसे लेने हैं उसका टोटल, वो ठीक है, वो गलत नहीं है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में की मैं गलती मिस पोस्टिंग करती है, तो एरर क्या है उसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के अनुसार आदमी को समझ में आ जाती हैं और फिर वो उसी के अनुसार सैंपल डिटरमाइन कर लेता है। वो एक पर्टिकुलर सैंपल डिटरमाइन करता है, उसको डिफाइन करता है कि ये एरर क्या है, उसी के अनुसार ऑब्जेक्टिव दे दिखता है। और यही चीज़ हमारी ISA 530 ऑडिट सैम्पलिंग एंड अदर सेलेक्टिव टेस्टिंग प्रोसीजर्स हमें बताता है। तो वो ये हमें बता रहा है कि एक ब्रॉड गाइडलाइंस दे रहा है कि किस तरीके से हम ऑडिट सैंपल को डिज़ाइन करेंगे। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है कि ISA 530 क्या बताता है, तो आप ये कहोगे कि गाइडलाइंस बताता है कि किस तरह से ऑडिट सैंपल को डिटरमाइन करना है। ऑडिट सैम्पलिंग और दूसरे सेलेक्टिव टेस्टिंग प्रोसीजर्स के बारे में वो बताता है। और वो क्या बताता है, तो वो सबसे पहले ये बताता है कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो अचीव करने हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, एरर डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स पता है, एरर डेफिनेशंस पता है, फिर आप सब्सटेंटिव टेस्ट और कंप्लायंस टेस्ट लगाओगे। आप उस ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करोगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने के बाद आप डिटरमाइन करोगे सब्सटेंटिव टेस्ट क्या है, या ऑर्गेनाइजेशन में पहले आप ऑडिट कर चुके हैं और एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ एरर्स बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें, तो आपको पता है कंट्रोल्स वीक हैं, सब्सटेंटिव टेस्ट ही करनी है। आप सीधे जाकर सारे वाउचर्स मंगाना स्टार्ट कर देते हो। सारे वाउचर्स अगर आप मंगा रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, या तो फिर आपको आप उस इफेक्टिवली ऑडिट नहीं कर रहे हो, या दूसरा रीज़न ये है कि ऑर्गेनाइजेशन बुरा है, ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल्स बहुत वीक हैं। अगर ऑडिटर सब्सटेंटिव टेस्ट कर रहा है सीधे आकर, तो इसका मतलब यहाँ एरर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसमें सैंपल्स, कई बार सैंपल आप कहोगे कि सैंपलिंग भी नहीं लूँगा मैं, 100% टेस्टिंग करूँगा। तो इस चीज़ को ध्यान दिया जाए, सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, आप कंट्रोल्स का टेस्ट करोगे, उसके बाद डिटरमाइन करोगे सब्सटेंटिव टेस्टिंग की। लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जानते हो कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत कंट्रोल्स है ही नहीं, बहुत बेकार ऑर्गेनाइजेशन है, थर्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप कहोगे यहाँ तो सैंपल लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे सब्सटेंटिव टेस्टिंग करो और 100% टेस्टिंग करो। यहाँ का सैंपल 100% सैंपल होगा, यानी कि सैंपलिंग का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। 100% आप टेस्टिंग करते हो, वहाँ पर जाते हो, वाउचर चेक करने स्टार्ट कर देते हो, स्क्रूटनी करने लगते हो, 100% चेकिंग करने लगते हो। 100% चेकिंग का मतलब आइदर ऑडिटर इज़ इनकॉम्पिटेंट और ऑर्गेनाइजेशन इज़ इनकॉम्पिटेंट, मतलब दो ही चीज़ें। अगर कहीं आप जाओ, कई बार क्या होता है कि वहाँ पर अकाउंटेंट बैठे होते हैं और अकाउंटेंट वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, और वो क्या करते हैं, आपको कहते हैं वाउचिंग करो,